हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, तो आज के वीडियो में हम क्लास टेंथ की जो मैथमेटिक चैप्टर नंबर 14 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रायिकता का जो प्रश्नावली 14.1 है उसका पार्ट टू लेके आ गए हैं। पार्ट वन में हमने बेसिक चीज़ें समझी थी और 1 से लेकर 13 प्रश्न हमने पूरे डिटेल में किए थे। आज बचे हुए प्रश्न वन शॉट में हम कम्प्लीट करने वाले हैं, तो लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहे 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो देखो, जो गड्ढी होती है ना, गड्ढी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, ठीक है। जिसकी दो कैटेगरी होती है, आपको पता है, एक लाल कैटेगरी और एक काले रंग की कैटेगरी, ठीक है। लाल में भी आपके 26 पत्ते होते हैं और काले में भी आपके 26 पत्ते होते हैं। इसकी दो कैटेगरी हो जाती है, पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था, और इसके भी आगे जाके दो कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह, इसके पास भी एक बादशाह है और इसके पास भी एक बादशाह है, तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? लाल रंग का बादशाह हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि जो बादशाह है हर कैटेगरी में एक एक होता है। इस कैटेगरी के पास एक है, इस कैटेगरी के पास एक है, इस कैटेगरी के पास एक है और इसके पास भी एक है। टोटल बादशाह हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और हमारे पास ताश की गड्ढी में 4 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में एक, तो टोटल 4 कैटेगरी। लेकिन लाल के लिए पूछ रहे हैं, लाल की तो 2 कैटेगरी है, हर कैटेगरी में एक एक, तो लाल रंग के जो बादशाह होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो एग्जाम में जैसे लिखना होता है ना, वैसे ही लिखवा रहा हूँ। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? लाल रंग की बादशाह, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता, ऐसे एग्जाम में लिखना होता है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन। बच्चों प्यार सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, है ना, और शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो भैया संभव परिणाम कितने हैं लाल रंग की बादशाह? 2 है। और कुल परिणाम गड्ढी में पत्ते कितने हैं? टोटल 52। तो कुल परिणाम कितने हैं? 52। 2 × 1 = 2, ऊपर 2 × 2 = 4, 1 / 2 = 12। तो पहले वाले का जो उत्तर हो जाएगा वो 1/26 होगा, ठीक है भाई, 1/26 होगा। कोई डाउट नहीं, आराम से बन गया, उतार लिया होगा आपने। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड वाला, तस्वीर वाला पत्ता। देखो फेस कार्ड वाले पत्ते, हमारे पास कैटेगरी कितनी है? 4। हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 3 फेस कार्ड हर कैटेगरी में होते हैं। तो फेस वाला फेस हर कैटेगरी में 3 होती है, 4 कैटेगरी, तो 12 फेस कार्ड जिसमें चेहरे होते हैं। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालना है, निकालो प्रायिकता। संभव परिणाम है 12 और कुल परिणाम है 52। काटो, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4, अरे 4 से कट रहा है क्या, 4 × 3 = 12। हाँ आंसर आ जाएगा 3/13, ठीक है। तो फेस कार्ड वाले आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/13। नेक्स्ट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो लाल रंग की जो कैटेगरी होती है वो 2 कैटेगरी होती है, तस्वीर वाला पत्ता हर कैटेगरी में 3 बैठा है, 3 कैटेगरी है लाल की, 2 × 3 = 6 हर कैटेगरी में, और लाल रंग की कैटेगरी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6। कुल परिणाम कितने हैं? 52। काटो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, उत्तर कितना आ गया? 3/26, ठीक।
पान का गुलाम। पान जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ठीक है, चिड़ा पान इस तरीके चार कैटेगरी होती है, तो पान की कैटेगरी आपसे बोल दिया स्पेशल कैटेगरी, गुलाम एक ही होता हर कैटेगरी में, तो जो पान का गुलाम होगा वो सिर्फ एक ही होगा। ये सारा चीज पत्तों को दिखाते हुए पार्ट वन वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि पत्ते कौन कौन से होते हैं हर कैटेगरी में, ये पूरा चित्र के सहित दिखाया है, तो पार्ट वन में जरूर देख लेना। इसकी प्रायिकता निकालनी हमें, पान के गुलाम आने की प्रायिकता, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम 52। इतना आसान है। फिर बोला हुकुम का पत्ता। हुकुम आपकी एक कैटेगरी होती है और हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते, 13 चौके 52। हुकुम आपका क्या हुआ, एक कैटेगरी हुई, ठीक है, 13 पत्ते होंगे। और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम कितना है 13, कुल परिणाम कितना है 52, ठीक है, 13 एकम 13, 13 चौके 52, ठीक है। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईंट की बेगम, ईंट एक कैटेगरी होती है और हर कैटेगरी में बेगम कितना है, एक ही है, तो ईंट का बेगम तो एक ही होगा। प्रायिकता निकालनी है इसकी, ईंट के बेगम आने की प्रायिकता, ठीक है, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम 52। आंसर ठीक, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आगे आते हैं, अगला जो प्रश्न है देखिए पढ़ते हैं। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, 52 ताश के ताश के पांच पत्ते कौन कौन से, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंका जाता है। हमारे पास पांच ही पत्ते दिए हैं, पूरी गड्डी नहीं दी है, पांच पत्ते हैं, तो प्रश्न में आ जाओगे तो दिया है हमें क्या दे रखा है, कुल परिणाम, कुल परिणाम पांच है, पहला गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ठीक है, अच्छी प्रकार फेंटा जाता है इनमें से यादृच्छ, यादृच्छ का मतलब बिना देखे पत्ता निकालना है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, ठीक है, पहले वाला मैं निकालना बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता। तो सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र हमें पता ही भैया, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम कितने, बेगम कितनी बार है, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है, तो बेगम तो एक ही बार है, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास पांच, तो उत्तर आ जाएगा 1/5, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, हमारे पास पांच पत्ते हैं, इस बेगम को निकाल के बाहर फेंक देना है, मतलब आपने एक बार ताश का पत्ता चुन लिया ना, तो पत्ता चुन के आपको साइड में रख देना है, तो अब आपके पास कितने बच्चे पत्ते बचे, चार, कौन कौन से, ईंट का दहला बचेगा, गुलाम बचेगा, बादशाह और इक्का बचेगा, ठीक है ना, मैं यही कर देता हूं, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में यहां तू लिखना, यहां लिख देंगे बचे हुए पत्ते, बचे हुए पत्ते हमारे पास क्या है, ईंट का दहला, फिर क्या बचा है, गुलाम, गुलाम के बाद बादशाह, क्योंकि हमने तो बेगम निकाल के फेंक दिया है, साइड में रख दिया मतलब, और क्या है, इक्का, ये चार पत्ते हैं, यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, हमारे पास जो कुल परिणाम है आपकी बार चार है। और हमसे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, बेगम आने की प्रायिकता पूछ रहा है,
इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया एक, अच्छा ए और बी है ना, एक इक्का है, इक्का आने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, इक्का आने की प्रायिकता। अब आप खुद बताओ इक्का कितनी बार है, इसमें इक्का एक ही बार है, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम चार। ए पार्ट का तो आंसर ये आ गया, अब आपको निकालना बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में बोला एक बेगम है, बेगम आने की प्रायिकता, तो क्या इसमें बेगम है, दहला है, गुलाम है, बादशाह है, इक्का है, बेगम तो है ही नहीं, तो बेगम आने की प्रायिकता। देखो संभव परिणाम कितना है, 0 है ना, हमारे पास बेगम है ही नहीं, संभव परिणाम 0, कुल परिणाम 4, तो 0/4 0, क्योंकि एक अनिश्चित घटना है, जो चीज है ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, आराम से बन गया। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, प्रश्न बहुत ही आसान आसान है। अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है, 16, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, जो 12 खराब पेन अब 132 के अंदर मिल गए हैं, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन को यादृच्छा निकाला भी जाता है, बिना देखे उस डब्बे में से पेन निकालना है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है, क्या दिया है, खराब पेन। खराब पेन है 12 और अच्छे पेन कितने हैं, एक सौ बत्तीस, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 144, ठीक। हमसे क्या बोला गया है, अच्छे पेन आने की प्रायिकता प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अच्छे पेन आने की प्रायिकता, क्योंकि भाई कोई खराब पेन थोड़ी ना खरीदेगा, अच्छे पेन आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सूत्र आपको बताइए, संभव परिणाम अच्छे, संभव परिणाम यह है और कुल परिणाम यह है, ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आप छोटा बिट काट बिट सक काटो इसको, अगर काट सकते हो तो, दो छंग 12, दो छंग 12, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर कटेगा, दो तिया 6, दो छंग 12, दो तिया, दो तिया 3 से कटेगा, 3 एक कम, 3 एक कम, 3 एक कम, 3 दूनी, आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, हमसे प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, टोटल 20 बल्ब है, उसके अंदर 4 खराब है, तो अच्छे कितने हुए, 16। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, खराब होने की प्रायिकता निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ, दिया है, तुम्हें क्या दिया है, कुल बल्ब 20 दे रखा है, कुल बल्ब, ठीक है, और खराब बल्ब कितने हैं, 4 है, इसलिए अच्छे बल्ब कितने होंगे, टोटल में से घटा दोगे 20 में से 4 खराब वाले घटा दोगे, अच्छे बल्ब आ जाएंगे 16, ठीक है। प्रश्न में हमसे क्या बोला गया, प्रायिकता ज्ञात करना है बल्ब खराब हो, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, खराब बल्ब आने की प्रायिकता,
ठीक है, तो सूत्र आपको बताइए क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। खराब बल्ब कितने हमारे पास, संभव चार, कुल परिणाम है 20, चार एक कम चार, चार बजे 20, ऊपर नीचे समान संख्या से विभाजित करते हैं, ये सब तो बताइए होगा, तो उत्तर आपको मिल जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, पता चल गया, किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो आप दोबारा जरूर देखें उस जगह से, ठीक है, बैक करके। मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। देखो जो पहला बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है, यानी कि वो अच्छा बल्ब है, खराब नहीं है तो क्या है, वो अच्छा होगा, और इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से, अच्छा ना ही इसे दोबारा मिलाया जाता है और शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो देखो पार्ट वन में हमने क्या किया ना, खराब बल्ब के लिए बात कर रहा था, लेकिन बोला है अगर पार्ट वन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अब खराब नहीं है तो क्या है, अच्छा बल्ब निकाला गया है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एक बल्ब निकाल दिया गया और निकाल के उसको अलग रख दिया गया है, तो जो कुल में से था की बार हमारे पास कुल बल्ब क्या होगा, टोटल 20 था, एक बल्ब निकाल दिया 19 बचेगा, और हमारे पास खराब बल्ब निकाल वैसे का वैसे ही है, खराब बल्ब हमारे पास कितने थे, चार थे, तो चार ही रहेंगे, अच्छे बल्ब 16 थे जिनमें से एक अच्छा बल्ब हमने निकाल दिया, निकाला गया बल्ब खराब नहीं, यानी कि अच्छा बल्ब निकाल के हमने साइड में रख दिया, यानी कि 16 था, एक बल्ब अच्छा निकाल के तुमने साइड में रख दिया, तो आपके पास 15 अच्छे बल्ब बचे, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छे बल्ब की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता, ठीक, जब बल्ब खराब नहीं है तो भाई वो अच्छा ही है, और अच्छे आने की प्रायिकता में निकालनी है तो सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो अच्छे बल्ब में संभव परिणाम कितने हैं 15 और कुल परिणाम कितने हैं 19, यहीं पे हम छोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक, आराम से बन गया। नेक्स्ट, एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है, डिस्क समझते हो, डिस्क इस तरीके से होता है, जिस ठीक है सीडी कैसेट मान लो, जिन पर एक से लेकर 90 तक संख्या है, एक किसी में दो, ऐसे ही लास्ट वाला कितना है 90 है, तो यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम हमारे पास 90 है, एक से लेकर 90 तक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, इस पेटी में से ना बिना देखे एक डिस्क निकालना है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित दो अंकों की एक संख्या होगी, एक से लेकर 90 तक है, बाकी 10 से स्टार्ट हो जाता है दो अंकों तक और 90 तक जा रहे हैं, तो एक अंक वाली अगर मैं घटा दूं टोटल में से, एक अंक वाली क्या है, एक है, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तक, तो दो अंकों वाली संख्या कितनी है, दो अंकों वाली संख्या है, टोटल 90 में से आपको 9 घटा देना है, 81, ठीक है ना, 81 संख्याएं ऐसी हैं जो दो अंकों वाली है, 10 से शुरू होगा, 10 11 से 90 तक 81 संख्याएं हैं, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो देखो संभव परिणाम कितने हमारे पास 81, कुल परिणाम है 90, 9 2 90,
9 81, उत्तर आ जाएगा 9/10। कितना आ गया उत्तर? 9/10। बड़े आराम से हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर आपके मन में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही ना, तो ट्रिक बताता हूं कैसे लिखोगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग करोगे 81 होगा, 9 में 81। और 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा, जो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि 90 तक है ना टोटल, 90 डिस्क है 1 से लेकर 90 तक। तो 10 करने पे तो 100 आ जाएगा, जो कि बाहर का आ जाएगा, जो कि हमारे पास नहीं, तो 9 पे रुक जाएंगे। यानी कि संभव परिणाम कितने हैं? 9। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो बड़े आराम से निकल जाएगा। इसलिए पूर्ण, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, ठीक, संभव परिणाम है 9, बट्टे में कुल परिणाम कितना है? 90। 9 एक कम 9, 9 दाई 90, 1/10। ठीक है, आसान है। 5 से विभाजित एक संख्या, तो 5 से विभाजित संख्या क्या क्या हो जाएगी? 5, 10, 15, 20, ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, 25। ये सभी संख्याएं 5 से कटेंगे। अब इनको गिन के देखो कितने परिणाम है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो संभव परिणाम हमारे पास कितना है? 18 परिणाम है। तो यहाँ लिख दोगे 5 से विभाजित होन विभाजित एक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी संभव परिणाम हमारे कितना? 18, और कुल परिणाम है 90। 9 दुनी 18, 9 दही 90, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 1/5। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। आपसे प्रश्न क्या बोल रहे, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, पासा है ना लूडो, ये लिखा हुआ है ABCDEA। तो यहाँ कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है, वो तो 6 है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि A प्राप्त हो, ठीक है। तो A प्राप्त होने की, A प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है जी। तो एक कितनी बार है? 2 बार। तो संभव परिणाम कितने हैं? 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 2 एक कम 2, 2 3 6। पहले पार्ट तो आराम से बन गया। डी प्राप्त हो, सेकंड वाले में बोला डी प्राप्त हो, तो डी कितनी बार है? एक ही बार है, तो लिखेंगे सेकंड वाले में डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो डी कितनी बार है भाई? एक ही बार है, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है। देखो हमारे पास टोटल जगह कितनी है, इतनी है, आयत है,
और उसके अंदर एक वृत्त बना है। जब हम पासा फेंक रहे हैं, लूडो फेंक रहे हैं, वो इसके अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ये क्या, देखो बेटा, ये हमारा है संभव परिणाम और ये हमारा क्या है, कुल परिणाम, कुल क्षेत्र है, और संभव क्षेत्र हमारा ये हुआ है कि नहीं। तो कुल परिणाम क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और संभव परिणाम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले इनको निकालना पड़ेगा। वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर, इसका व्यास जो हमें दे रखा है ना, वो 1 मीटर दे रखा है। तो देखो लिखेंगे यहां से, क्या दिया है, कैसे लिखेंगे, पहले दिया है आयत, बना लो चित्र बना के दिखाओगे तो बढ़िया होता है। आयत में यह लंबाई हमारे पास 2 मीटर है, अरे 3 मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा 3, 6 मीटर स्क्वायर। फिर वृत्त, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आर क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास हमें 1 दे रखा है, 1/2 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है, नहीं बोला है, तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो मैं 22/7 रखूंगा, और त्रिज्या मेरे पास 1/2 है, हल करो, 22, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 22, थोड़ा काट भी सकते थे ना, 2 एक कम 2 एक कम 2 दूनी, तो काट के लिख दो बढ़िया से, ऊपर आ जाएगा 11, 7 दूनी 14 मीटर स्क्वायर। तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है भाई, ये हमारा है संभव परिणाम और ये हमारा क्या है, कुल परिणाम। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार क्या लिखोगे, प्रायिकता जो निकालनी है आपको, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारा क्या है भाई, ये 11/2 इसके अंदर गिनना चाहिए, 11/14, और कुल परिणाम हमारे पास क्या है, 6। 6 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ, 11 एक कम 11, भागा इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। सो ऊपर तो 11 ही रहेगा, 6 चौक 24 हासिल लगा दो, 6 कम 6 2 8, 11/84 मीटर स्क्वायर, ये इसकी प्रायिकता होगी। काफी शानदार क्वेश्चन था, आराम से हमने कर लिया, ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये प्रश्न लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, अभी जो एग्जाम गया है। कह रहे हैं 144 बॉल पेनों, बॉल पेन मतलब जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, डॉट पेन। एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, यानी कि हमें दिया क्या है, टोटल जो बॉल पेन है वो 144 है, जो कुल परिणाम है, कुल पेन 144 है, खराब खराब पेन कितने हैं हमारे पास, 20, अच्छे कितने होंगे, टोटल में से खराब वाले माइनस कर दोगे तो अच्छे वाले आ जाएंगे 124, ठीक। आप वही पेन खरीदना चाहते हो जो अच्छा हो, ऑब्वियसली हम वही पेन खरीदेंगे ना, जब दुकानदार के पास जाओगे, पैसे जब दे रहे हो तो सामान भी अच्छा ही लोगे, है कि नहीं। हालांकि अभी मैंने क्या किया ना, एक कंपनी है एडू स्कॉट्स नाम से, यूट्यूब पे है, उनसे मैंने अभी परचेस किया है, जिस कैमरे से, बड़ो कैमरा तो सही दिया उन्होंने, लेकिन जो सेनाइजर का माइक, 30-32 हज़ार का माइक है ना, वो प्रोडक्ट ही खराब भेज दिया उन्होंने, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। अब जब मेरे पास प्रोडक्ट आया,
जब मैंने उसको लगाया तो वो चला ही नहीं, गड़गड़ कर रहा है। तो मुझे तो खराब प्रोडक्ट मिला ना, और वो मुझे बोला कि मैंने खराब किया। जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था उनसे, जब जानकारी नहीं, बोला 6 महीने की वारंटी पे है। अब जब मैंने उनसे बात की कि भाई जब मेरे को तो अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए ना, तो वो मेरे पे अभी उल्टा सुनाने लग गए हैं अभी। अब बताओ आप मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आके, मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, हालांकि पैसे तो चलो अलग बात है, लेकिन जो एक रिलेशन है वो खराब हो जाता है। मैं पर रो दिया, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे साथ होता है, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ और मैं रो दिया। ठीक है, क्या करूँ यार, तुम सोचोगे सर आप तो लड़के हो क्यों रोते हो, बट मैं ऐसा ही हूँ, मैं जब मैं इमोशनल होता हूँ मैं आंसू आ जाते हैं। अब ये माइक पड़ा हुआ, देखो मेरे पास रोड का वायरलेस माइक है, इसके होते हुए भी मैंने वो माइक यूज़ किया था ताकि अच्छी क्वालिटी और दे पाऊँ। अब उन्होंने खराब प्रोडक्ट भेज दिए, अब यहाँ से भेजने के लिए बोल रहे हैं कि अगर उनके पास जाएगा प्रोडक्ट तो वो बोला फिजिकल डैमेज हुआ है कि तुमने खराब किया है, मैंने खराब किया है। मैं पागल हूँ क्या, मैंने इतना महंगा प्रोडक्ट खुद के हाथों से खराब कर दूँ, जबकि वीडियो कॉल के थ्रू उन्हीं के सामने मैंने खोला प्रोडक्ट, उन्हीं के सामने वो उनके जो असिस्टेंट है वो मुझे गाइड कर रहे थे वीडियो कॉल पे। ऐसा हो रहा है आजकल बताऊं। और वो जो माइक है वो अभी पड़ी हुई है, अभी उनको मैं वापस करने वाला हूँ, और उन्होंने बोला है पैसे अलग से लगेंगे 10-15 हज़ार रुपये अगर ठीक करना हो, ठीक खराब हुआ तो ठीक करना पड़ेगा, वारंटी में भी कोई पैसे देना पड़ता है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा इसके लिए। ठीक है, हाँ मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की, वो नहीं मान रहे। अब मैंने सोच लिया कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा और इनके खिलाफ एक मुकदमा डालूंगा। आप क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन से भटक गया था। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा निश्चित हूँ, तो मुझे ये बताना ज़रूरी समझा। चलो ठीक है, पेन दुकानदार के पास जाओगे और आप अच्छा पेन ही खरीदोगे, आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहते। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता कि आप वह पेन खरीदेंगे। खरीदेंगे मतलब अच्छा पेन ही खरीदोगे आप। फर्स्ट वाला है, अच्छे पेन की प्रायिकता, आप वो पेन खरीदेंगे अच्छा पेन ही खरीदेंगे, अच्छे पेन की प्रायिकता। ठीक है, अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना है हमारे पास, अच्छे पेन 124, और कुल परिणाम कितना है 144। 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 4, फिर कटेगा 2 3 2 6, 2 3 2 1। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 31/36। ओके, सेकंड पार्ट में आपसे बोला कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे जो खराब होगा, कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, खराब पेन। तो खराब पेन की प्रायिकता निकाल देते हैं। खराब पेन की प्रायिकता क्या है, संभव परिणाम, खराब पेन कितने हैं 20, कुल परिणाम 144, काटो इसको 2 2 20, 2 7 2 2, फिर कटेगा 2 3 2 6 2 5 10, तो उत्तर आ जाएगा 5/36। आप वो पेन खरीदोगे जब अच्छा होगा, उसकी प्रायिकता होगी 31/36। आप वो पेन नहीं खरीदोगे जो खराब होगा, 5/36 इसका उत्तर है। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 13 को देखिए, ये उदाहरण 13 है, कह रहे हैं एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, मतलब दो पासे को एक साथ हम फेंक रहे हैं, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी ये उसके बराबर है। ठीक है, और फिर ये घटना भी आपसे बोला है, ठीक है, ये घटना को भी आपको करना है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। तो देखो, जब दो पासे हैं, पासा मतलब लूडो, जब दो चीज एक साथ घटित हो रही होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। ठीक है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी है आपका 1। ठीक है, ऐसा है, तो
इसके पास छह परिणाम है, इसके पास भी छह परिणाम है, तो कुल परिणाम कितने आएंगे बताएं? इस दोनों घटने एक साथ हो रही है, प्रायिकता का गुणनफल लगेगा, 36 परिणाम आएंगे। और वो परिणाम क्या होंगे वो मैं आपको लिख के बताता हूं। वो होगा एक से स्टार्ट करो, पहले वाले में एक आ जाए, दूसरे वाले में भी एक आएगा, ठीक है, या फिर पहले वाले में दूसरे वाले में दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। पहले वाले में एक रखा हम, बाकी की पोजीशन हम चेंज करते रहे, ऐसे इसमें भी करना है। ये हो सकता है कि पहले वाले में दो है, दूसरे वाले में वन, पहले वाले में दो है, दूसरे वाले में दो है, पहले वाले में दो है, दूसरे वाले में तीन है, ऐसे करके चलते जाना है हमें। लास्ट में यहाँ आ जाएगा 3.6, फिर यहाँ 4.1 से स्टार्ट करोगे, चलते जाना है, ये आ जाएगा 4.6, फिर आ जाएगा 5.1 से स्टार्ट करेंगे, 5.6 तक आ जाएंगे, और 6.1 से स्टार्ट करेंगे और 6.6 तक आ जाएंगे। ये 36 परिणाम हमें मिलेंगे। देखो 36 परिणाम कैसे हैं, यहाँ देखो इस लाइन में कितने हैं आपके, 6 परिणाम, और इस लाइन में भी कितने परिणाम है, 6 परिणाम, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 36, 6 लाइन है आपकी, तो ये 36 परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उदाहरण भी कर ही लेते हैं, जब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं ना, कह रहे हैं दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, जगह कम बढ़ रही है ना, अगर पासों को जोड़े तो 8 आए, तो देखो संभावित परिणाम ये हो जाएगा, 8 आए, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3.5, इनको जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 4.4, 8, फिर आ जाएगा 5.3, 8, और 6.2, 8, तो संभावित परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, संभव परिणाम 5 और कुल परिणाम कितने हैं 36। पहले वाले का उत्तर मिलेगा हमें 5/36, ठीक है। संख्याओं का योग 13 है, अब 13 की बात करूं, 13 संख्याओं का योग 13, सबसे बड़ी अगर देखो 6 और 6 12 होता है, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिनको जोड़ने में हमें 13 मिले, तो ये अनिश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 जोड़ने पे 12 आए, 12 से छोटी हो या उसके बराबर हो, तो देखो ये सारी संख्याएं यहां से लेकर या तो 12 से छोटी है जोड़ने पर या 12 के बराबर है, 6, 6, तो इसमें क्या है, संभव परिणाम पूरा आ जाएगा 36, ठीक है, संभव परिणाम 36, कुल परिणाम भी 36/36, आंसर 1, ठीक है। उदाहरण भी मैंने आपके सामने कर दिया, अच्छा प्रश्न था। अब एनसीईआरटी के जो प्रश्न में ये दिया गया है, निम्नलिखित सारणी को ना पूरा करना है कि क्या है, जो दोनों पासों की संख्याओं को जब हम जोड़ें तो 2 आए, देखो जब जोड़ोगे तो 2 आए, ये यही इकलौता, तो संभव परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 36, ये भरा हुआ है। जब हम दोनों को जोड़ें तो 3 आए, 3 कब आएगा, ये और ये, ठीक है, और नहीं है, ठीक है, इनको जोड़ने में 3 आएगा, तो संभव परिणाम है 2, कुल परिणाम है 36, ठीक है। जोड़ने पे 4 आए, ठीक है, जोड़ने पे 4 आए, 4 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, जोड़ने पे 4, 4, 4, ये संभव परिणाम कितने हैं, 3 और कुल परिणाम है 36। जोड़ने पे 5 आए, 5, 1, 5, 5, 2, 5 आएगा 3.2 पे भी, 3 और ये 4, ठीक है, मैं दिखा भी दे रहा हूं कौन, 1, 2, 3, 4, तो संभव परिणाम कितने हैं 4, कुल परिणाम 36। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, जोड़ने पे 6 आए, 6 देखो यहां पर 1, जोड़ने पे 6, ये फिर यहां पे आ जाएगा, 6 आए ना, 3.3, ये जोड़ने पे 4.2, 6 आए, और ये भी 1, 2, 3, 4,
पांच, इनको जब जोड़ोगे तो छह आ रहा है ना, 1 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो 1 2 3 4 5, संभव परिणाम कितने हैं? 5, कुल परिणाम 36। फिर क्या बोल रहा है, जोड़ने पे 7 आए, जोड़ने पे 7, कि देखो 1 2 7 आए ना, 3 और 5 8 हो गया, 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 7 आए, 4,3 हो जाएगा, 7 आएगा, ठीक है, और 5,2 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 6,1, इसमें देखो मैं गोला कर दे रहा हूँ, तो संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/36, ठीक है। ऐसे ही 9 10 11 का निकालो, जोड़ने पे कितना आएगा? 9 के लिए देखो, जोड़ने पे 9 आना चाहिए, 9 कहाँ आएगा? पहले वाले में नहीं आएगा, दूसरे वाले में नहीं आएगा, तीसरे वाले में आ जाएगा, 3,6, और फिर यहाँ आ जाएगा 4,5, जोड़ने पे 9 आए, फिर 5,4, जोड़ने पे 9 आए, और यहाँ आ जाएगा 6,3, जोड़ने पे 9 आए, तो संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, 4/36, ठीक है भाई। फिर हमसे क्या बोला गया है, जोड़ने पे 10 आए और 11 आए, ये दोनों मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क, इन दोनों को आपको करना है कि जोड़ने पे 10 कब आ रहा है। देखो पहले दो लाइन में नहीं आएगा, तीसरे में भी आएगा, यहाँ आ जाएगा जोड़ने पे 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5,5, 5,4 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5,5, जोड़ने पे 10, यहाँ आ जाएगा 6,4, जोड़ने पे 10, तो 1 2 3, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 36, जोड़ने पे 11 है, ठीक है, तो 5,6, 1 और 6,5 इधर आ जाएगा, संभव परिणाम 2 होंगे और कुल परिणाम 36। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है भाई साहब, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ गया? एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से सहमत है? ठीक है, देखो हमारे पास प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, कुल परिणाम कितना दे रखा है? 11, और संख्या क्या है? 2 से लेके 12 तक है, हर एक संख्या एक ही बार आई है, ठीक है ना, हर एक संख्या एक बार आई है, तो प्रत्येक की प्रायिकता अगर निकालेंगे, जैसे 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम है कुल परिणाम 11, 3 की क्या होगी? संभव परिणाम है कुल परिणाम 11, 4 की क्या होगी? संभव परिणाम है कुल परिणाम 11, क्योंकि सब एक एक बार ही, 5 की क्या होगी? संभव परिणाम है कुल परिणाम 11, तो सही है कि नहीं ये आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सही कथन है कि इसने ये क्या बोला, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या है ये इस तर्क से आप सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए, तो आप क्या हो गए? बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि सभी परिणाम एक ही बार आ रहे हैं, जैसे 2 की आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 11, 3 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 11, तो सभी ऐसे जब आप निकाल के दिखा दोगे तो सबकी प्रायिकता कितनी? 1/11 1/11 1/11 है, अर्थात दिया गया कथन क्या? बिल्कुल 100% परफेक्ट सही है, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, इस 3 बार उछालने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा भी रखा था, डोंट वरी अभी मैं दोबारा बता दूंगा, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अगर तीनों HH आ जाए या तीनों TT आ जाए तो वो जीत जाएगा, या फिर वो बाकी को जाने पर वो हार जाएगा, ठीक है,
तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखो, सबसे पहले तीन कॉइन है, इसको जब हम उछालेंगे, ठीक है, इसके पास क्या है, हेड है या ट्रेल है? इसके पास भी या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, हेड आएगा या ट्रेल है, चितपट। इसके पास दो परिणाम है, इसके पास दो परिणाम, इसके पास दो परिणाम, तीनों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो तीन सिक्के को एक साथ उछालने पर जो परिणाम आता है, कुल परिणाम, वो आता है 8। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम लग जाता है। और वो परिणाम क्या होगा, ये लिखेंगे, तीन सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, हम ध्यान से देखना भाई, यहां से प्लीज। तो यहां लिख दोगे एच टी क्रॉस एच टी क्रॉस एच टी, ये कार्तीय गुणन है जो आप कक्षा 11 में सीखोगे, बट मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको पहले गुणा कर लो, पहले वाले की पोजीशन इसको ऐसे ही रखो, बहुत ही आसान है। देखो, एच को इसकी पोजीशन फिक्स करो, एच के साथ क्या जाएगा, एच, और फिर एच के साथ क्या जाएगा, टी। एच का हो गया टी का, स्टार्टिंग में फिक्स करो, टी के साथ क्या जाएगा, एच, और टी के साथ क्या जाएगा, टी। ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में, एच की पोजीशन फिक्स करो, एच के साथ क्या जाएगा, एच एच, एच के साथ क्या जाएगा, एच टी, एच के साथ क्या जाएगा, टी एच, और एच के साथ क्या जाएगा, टी टी। अब एच का हो गया, टी के ले लो, टी की पोजीशन फिक्स करो स्टार्टिंग में, टी के साथ क्या जाएगा, एच एच, टी के साथ क्या जाएगा, एच टी के साथ क्या जाएगा, टी टी एच, और टी के साथ क्या जाएगा, टी टी। तो जीतने के लिए इस प्रश्न में बोल दिया गया है कि जब तीनों सेम टू सेम होंगे ना, तभी जीतेगा। तो जीतने के संभव परिणाम दो हैं, और बाकी इन सब में हार जाएगा, बाकी कुछ भी आने पे हार जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो हारने के संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 36 क्यों लिख दे रहा हूं, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 8। ठीक, तो 2 3 2 4 8, तो जो हारने की प्रायिकता है वो 3/4 है, मतलब हारने की चांसेस इस खेल में सबसे ज्यादा है, जीतने की सबसे कम है। ठीक है, 4 बार अगर तुम फेंकोगे ना, 4 बार में से तुम्हारे 3 बार है कि तुम हार जाओगे, ये बोल रहा है, 3/4 प्रायिकता है इसकी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था, जो पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, 2 बार, पासा मतलब लूडो, फेंकने पर परिणाम मैं लिख लेता हूं ना, कुल परिणाम तो 36 होते हैं, ये पता ही हमें, 1.1, 1.2 कहाँ तक जाता है, 1.6 तक, फिर 2.1 से कहाँ तक जाता है, 2.6 तक, 3.1 से जाता है 3.6 तक, फिर 4.1 से जाता है कहाँ तक भाई, 4.6 तक, फिर 5.1 से कहाँ तक जाता है, 5.6 तक, और फिर 6.1 से कहाँ तक जाता है, 6.6 तक। तो यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास कितने होते हैं, 36। 2 बार पासा उछालने पर कुल परिणाम 36 आते हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था। अब हम प्रश्न में आ जाते हैं, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा ही नहीं, किसी भी बार में 5 ना आए। तो देखो, यहां पर किसी भी 5 बार 5 ना आए, तो यहां से 5 कब आएगा वो देख लो, यहां 5 आएगा, यहां पे भी 5 आएगा, 2.5, यहाँ पे भी आएगा 3.5, यहाँ आएगा 4.5, और बाकी ये लाइन तो सब में ही 5 5 भरा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा 6.5।
तो संभव परिणाम कितना है? इस लाइन में 6 के 6 में 5 आएगा, यहां से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 11 बार में तो आएगा ही आएगा 5, चाहे इधर में आए उधर में आए आएगा ही आएगा, तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 36 परिणाम में से अगर मैं 11 परिणाम घटा दूं, कितने हैं? 25 परिणाम ऐसे हैं जिनमें कई किसी भी बार में 5 नहीं आएगा, ठीक है, जिनमें 5 आएगा वो मैंने देख लिए, वो कितने हैं? वो 11 परिणाम है जिनमें 5 किसी ना किसी बार आ ही रहा है, टोटल 36 में से मैंने 11 घटा दिया, तो 25 परिणाम मुझे ऐसे मिल गए जिनमें एक भी बार 5 नहीं आएगा, तो संभव परिणाम मेरे पास कितनी होगी? प्रायिकता निकालना है ना, संभव परिणाम है 25, कुल परिणाम है 36, आंसर ठीक। बताइए कोई डाउट? नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। 5 से कम एक बार आ जाए, ठीक है, 5 से कम एक बार आ जाए, 5 से कम, 5 से कम मतलब 4 तक एक बार आ जाए, तो यहां 5 से कम कितने हो गए? 4। इस लाइन में देखो 5 से कम, इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें भी 4 आ जाएंगे, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, उसी तक जाना है, और यहां से भी 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहां से भी 4 आ जाएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, ठीक है, 4 से कम ये वाला नहीं होगा, और इसमें कितने? 6,1, 6,2, 6,3, 5 से कम बोला है ना, तो ये भी नहीं आएगा, इसमें 6 आ गया ना, बड़ा हो गया, तो कितने परिणाम है? 1, 2, 3, 4, 16 परिणाम है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकालोगे तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 16। 5 कम से कम, क्वेश्चन पढ़ने में गलत कर दिया, देखो क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलत करोगे ना, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, हमसे गड़बड़ हो जा रहा है, बिना थोड़ा सा नजर हटना क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा का मतलब क्या है? एक बार आएगा, एक से ज्यादा भी बार आए उसको ले सकते हो, यानी कि 5 कम से कम एक बार आएगा, जो ये 11 चीज हमने काउंट की थी ना अलग से, इन्हीं की बात कर रहा है वो, कम से कम एक बार 5 आएगा या उससे ज्यादा बार भी आएगा, तो संभावित परिणाम कितने? इसमें तो पूरे में ही 5-5 है, तो संभव परिणाम कितने आपकी बार? 11 है, जिनमें 5 कम से कम एक बार या उससे ज्यादा बार है, संभव परिणाम 11, कुल परिणाम 36, आंसर आ जाएगा 11/36। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, लास्ट प्रश्न है बच्चों ये हमारा, आराम से देखना। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ठीक है। दो सिक्के को जब हम उछालते हैं, ठीक है, तो कुल परिणाम कितना होता है? 4, 2×4, और वो परिणाम कौन कौन से होते हैं देखो निकालने का, इसके पास क्या है? HT, और इसके पास भी क्या है? HT, तो अभी मैंने बताया था H के साथ, फिर H का T के साथ, फिर T का H के साथ, और फिर T का T के साथ, ये 4 परिणाम होते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, हेड 1 बार या फिर ट्रेल 1 बार, या ट्रेल 1 बार, हेड, ठीक है, इनकी प्रायिकता 1/3 है। देखो इसकी अगर प्रायिकता निकालूं तो संभव परिणाम कितने हैं? 1, कुल परिणाम है 4, इसकी संभव परिणाम कितने हैं? 1, कुल परिणाम 4, इसकी 1, 4, इसकी 1, 4। HT और TH में फर्क है, लोग सोचेंगे सर ये तो बराबर है, नहीं, पहले वाले में हेड आ रहा है, दूसरे वाले में ट्रेल,
पहले वाले में ट्रेलर आ, दूसरे वाले में बात अलग है, ठीक है, ये बात सोचना कि सेम है। तो इन सबके अलग अलग प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है, और ये बोल रहा है भाई कितनी आएगी, प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/3 है, तो ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि सबकी प्रायिकता 1/4 है, वो बोल रहे 1/3 होगा, तो ये गलत है। ठीक, आखिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को जो फेंकते हैं ना, तो पासे पे जो परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि जो कुल परिणाम होता है वो हमारा 6 होता है। ठीक, पासा मतलब लूडो। तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है, तो विषम संख्या क्या होती है भाई, विषम संख्या हमारे पास है 1, 3, 5, ठीक, और सम संख्या क्या है, सम संख्या हमारे पास है 2, 4, 6, तो ये सम, इसके भी संभावित संभव परिणाम 3 है और इसके भी संभव परिणाम कितने हैं, 3 है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, ये बोल रहा है, तो देख लेते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 × 3, 3 × 2, 6, तो 1/2 आएगा विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत था और ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पार्ट वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट वन में मैंने सारे बेसिक्स समझाए हुए हैं, स्पेशली ताश वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिक्के वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पासे वाला जो है वो मैंने आराम से चित्र की मदद से समझाया, तो उसको जरूर देख लेना, पार्ट वन के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। पुरानी एनसीईआरटी भी बढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी भी आज खत्म हो गई है ना, पूरा खत्म हो गया, अब हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली वन शॉट सीरीज, और उसके बाद हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, गणित के साथ साथ विज्ञान भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज स्टॉप जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और आपको किस टाइप की वीडियो की जरूरत है वो भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।